राम राम भाई सारे बाण भाइया ने। देखो भाई भाई सार में है भाई इम्पैक्ट अकेडमी, सार भाई आर्मी की फैक्ट्री है, डिफेंस में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, बहुत सिलेक्शन हो लाग रही। सब तब पहले मनीष अकेडमी तब भाई इन्वाइट कराया गया था मैं, तो आज फिर दोबारा भाई आप आ रहे हैं। इन बालक का रिव्यू लेवाएंगे भाई, किस तरह का क्यों करके इनका माहौल बन रहा है, कौन सा बैच चल रहा है, बातचीत करें इन बालक का। तो भाई इन भाण भैया तो बात करेंगे आप, किस तरह की पढ़ाई चल रही है, इन रिव्यू लेवाएंगे भाई कि कौन सा टारगेट बैच है, कौन सा बैच है। बाकी पहले उस तरह सरता बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया। तो ये कौन सा बैच चालू है सर? ये एयरफोर्स और एनडीए का बैच है। अच्छा, बिल्कुल। और सर इससे पहले आप ये बताओ, ये तो बैच बन गया अपना, इससे पहले जो सिलेक्शन पहले आपने दिए हैं डिफेंस में या और भी कहीं, उनके बारे में बताओ सर। जैसे एनडीए में नियर अबाउट 62 हमने सिलेक्शन दिए हैं, और एनडीए में बिल्कुल ठीक सर। और एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की दोनों की बात करें तो 400+ 430 के राउंड हमने सिलेक्शन दिए हैं उसमें। और यदि नेवी की बात करें तो 126 के राउंड हमने बच्चों को सिलेक्ट किए हैं। और आर्मी में तो अपना नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए 15 से लेकर 2020 तक, क्योंकि उसके बाद तो कोई भर्ती नहीं आई है, दो साल से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। नूरों तक जज में मारे कहें नवी आर्मी में तो आपका नाम हुआ है जो कि डिस्पैच हुए थे उस समय 75 के आसपास बच्चे लगे थे से, और 3000+ आर्मी में। और हरियाणा की यदि बात करें तो लगभग 1500+ बच्चे लगे हैं, और भी क्षेत्र में बच्चे लगाए, रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, चंडीगढ़ पुलिस हो गया, इनमें बच्चे काफी लगे हैं। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा माहौल बना रखा, कहने का मतलब इस साल में इम्पैक्ट वाले चीते खुल के जीते, एक ही बच्चे का मौज कर दे इम्पैक्ट वाले भाई, इन तो बात करेंगे आज। तो ये सिलेक्शन थे सर? चलो भाई सर ने बता दिया सिलेक्शन किस तरह था, बढ़िया काम चल रहा है और भी बढ़िया चल रहा है। देखो काम करोगे तो नाम अपने आप हो जाएगा, जो करी सर में इम्पैक्ट अकेडमी और इन्हू मान लो पूरे उत्तरी भारत में नाम हो रहा है भाई। बाकी इन बालक का तो रिव्यू लेंगे भाई सर, तब हमने सुन लिए बालक बताऊंगे। हाँ भाई सुना दिए, कौन सा काम है? चरखी दादरी, चक 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 चरखा चला दे, घुमा दे कहती हैं। चलो फिर कितने दिन हो गए भाई? ट्यूजडे से बैच शुरू है भाई। अच्छा, फिर किस तरह का माहौल है भाई? माहौल भाई एकदम बढ़िया है, बढ़िया करा रहे हैं। सही, अच्छा बन रही इम्प्रूवमेंट है? हाँ इम्प्रूवमेंट है बहुत। चलो भाई बढ़िया काम चल रहा भाई का। तेरा भाई कौन सा काम है? राजली भाई। राजली सारे? हाँ हाँ। चलो भाई फिर किस तरह का लग गया तना डे भाई? बढ़िया भाई। क्यों कर जुड़िया था भाई तू अकेडमी थे? भाई मारे गांव के 15-20 ने लगे उत्तरी का राजली के, एक तरफा चल रहे हैं बहुत बढ़िया भाई। चलो फिर तू भी चल लगा इसकी बार, टेंशन नहीं, इम्प्रूवमेंट लग गए भाई, क्या बनेगी? फुल इम्प्रूवमेंट है, फुल है भाई। चलो न्यूआ मुस्कराए जा भाई। तेरा भाई चश्मे वाले खरकपुनिया? चलो फिर तू क्यों कर जुड़ा भाई अकेडमी दे? अच्छा खरकपुनिया में धुम्मा उठ रहा कती। चलो भाई चलो बढ़िया, फिर के कुछ लग गए भाई, बनेगी बात? बिल्कुल बनेगी बात। चलो भाई बढ़िया, न्यूआ काम चल रहा सारे भाई आगे, इन बाणा तो और बात करेंगे। तो ये रही रहे। हाँ बेबे तेरा के नाम बेबे? तमन्ना। कौन सा काम बेबे तेरा है? बुढ़ाक। फिर किसा चल रहा माहौल था बुढ़ाक में? अच्छा अच्छा आड़े तई इम्पैक्ट में। चलो बहुत बढ़िया भाई, फिर तन्ने किसा के इम्प्रूवमेंट लग गई बैठे? तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कितने एक दिन हो गए तने? अभी ट्यूसडे से बैच स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा यो नया बैच स्टार्ट होया, फिर लग गए कुछ इम्प्रूवमेंट आओगी? चलो बढ़िया। तू बेबे? अच्छा चरखी दादरी दूर है, वो दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है? अच्छा फिर किस लग गए कुछ बढ़िया है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तू भी टोपी वाली, कौन सा काम है तेरा? रामसरा। रामसरा ही सार में पाओगा कि रहा? बट्टू वाले भटका देंगे। बहुत बढ़िया बट्टू वाली, फिर किस तरह का बट्टू वाली, किसा लग गया माहौल आड़ेगा? बढ़िया बढ़िया एक नंबर। चलो नहीं वो मुस्कराए जाओ, बहुत बढ़िया। तो भाई इन बालका ने बता दिया है यो आड़ा माहौल बढ़िया। कौन सा एनडीए का बैच है? एनडीए एयरफोर्स ही बस शुरू है सर यो? हाँ अभी मंगलवार से हुआ है, एक अभी क्योंकि अभी सीबीएसई के पेपर एक मैथ का रहता है, उसके बाद भी हम नेक्स्ट ट्यूजडे से एक बैच और शुरू करेंगे। अच्छा दो बैच बन जाए मतलब? हाँ, बिल्कुल दो तीन बैच बनेंगे। चलो भाई जो भी बाण भाई ने देखा है या जिसके भी छोटे बड़े भाई आड़े एडमिशन दवा दियो भाई, बढ़िया माहौल बन गया। बाकी रिव्यू तुमने ले लिया, डेमो डेमो क्लास का के पर बंदा सर? बच्चा दो तीन दिन डेमो लगा सकता है नए बैच में स्टार्टिंग में, उसके बाद बच्चा चूज करेगा अभी कौन सी अकेडमी में जाना है मुझे, ठीक है? अच्छा, हाँ, उसने यहाँ पे भी एडमिशन ले, और फॉर्म निकले हुए हैं एनडीए के, अभी फॉर्म निकले हुए हैं लड़कियों की, 19 वैकेंसी है, सेकंड बैच रहेगा ये हमारा एनडीए। अच्छा अच्छा ठीक है, इससे पहले भी एक बैच हमने निकाला था लड़कियों का, क्योंकि एक बार ही हुआ अभी पेपर, 19 वैकेंसी लड़कियों की होती है, बाकी सारे टोटल 400 पोस्टें होती है एनडीए में। चलो बढ़िया सर। एयरफोर्स का भी बैच क्योंकि फॉर्म निकले नहीं है अभी, आपको भी पता 1.5 साल से बंद ही है। हाँ हाई बता खरी ने रोक रखा सिस्टम ना भाई, बढ़िया। देखो यार इस में है भाई बस स्टैंड के कथी पची तो मैं भाई है, बाकी इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएगा भाई सारी जानकारी मेरे तले, इसको इंस्टाग्राम पर जुड़ सको, पोटा वो लोग इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पाओगा। बाकी भाई कुछ पूछना होता सर का नंबर दे दूंगा मैं।
तो भाई यो तुमने देखा भाई बालक का अपने रिव्यू ले लिया, बढ़िया माहौल बन रहा भाई, कति राज्य हो रहे थे बालक सर। फिर यो ऑफलाइन क्लास थी, ऑफलाइन बैच चालू कर रखा था आपने, तो कुछ दूसरा वो भी है सोर्स सर अकेडमी तक जुड़ने का? जैसे हमने ऑनलाइन बैचेस शुरू कर रखे हैं क्योंकि इम्पैक्ट अकेडमी की प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है। अच्छा, तो उसमें बच्चा रिकॉर्डेड बैच भी ले सकता है। वाई ग्रुप का हमारा बैच है, आर्मी का बैच है, सीईटी का बैच है, दिल्ली पुलिस का हमारा बैच है, तो बच्चा ऑनलाइन भी जुड़ सकता है। और साथ ही साथ जैसे इम्पैक्ट अकेडमी का हमारा चैनल है, उस पर हमने अभी करंट अफेयर की क्लास शुरू की है और पुराने पेपरों की हमने क्लास उसमें डाल रखी बहुत सारी, और सब्जेक्ट वाइज भी क्लास उसमें बहुत सारी हमने डाल रखी है। और यदि कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है तो उसके लिए इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें एयरफोर्स और आर्मी की हमने बहुत सारी क्लासेज उसके अंदर डाल रखी है जो निःशुल्क रहती है उसमें। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन भी जुड़ सकता है। और ऑफलाइन के लिए हमने अगले मंगलवार से एक बैच और अनाउंस किया है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का और एनडीए का सतीश है। बढ़िया सर, हाँ। तो ये दोनों सोर्स है बच्चा पर जुड़ने के, दोनों सोर्स है। और इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी नाम था चैनल है भाई, ऊपर हाँ। जुड़ जाइयो जाकर ऑनलाइन। और सर आप क्या बताया, ऐप भी है सर? हाँ, ऐप भी इम्पैक्ट अकेडमी की ऐप है, और इम्पैक्ट अकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से भी बच्चा पीडीएफ ले सकता है, लिंक मिल सकता है। हाँ, मतलब हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया भी देख सकता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह इम्पैक्ट के नाम से हमारे अकाउंट बने हुए हैं। और साथ ही साथ हमने दिल्ली पुलिस का और सीईटी का भी बैच है, उसमें मैं मिलवाऊंगा अगली वीडियो में। अच्छा, उन बच्चों को वो भी बैच हमारे शुरू हो चुके हैं। चलो सर ना, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लग गया सुनकर आपके मुंह। तो मान लो जो सिलेक्शन हुए हैं और बच्चा का रिव्यू देख कर बढ़िया लग गया। दो भैया हिसार में है, बस स्टैंड के साइड में पीछे है, ऋषि नगर हिसार, बिल्कुल। तो आड़ आकर जुड़ सके सारे भाई, तुमने देखा हो भाई, कोई जुड़ना चाहता हो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी पावेगी। और सर का नंबर ले लियो भाई, मेरे तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सको, पोटा ब्लॉग इंस्टाग्राम पे, ठीक है सर? फिर ओके, चलो भाई, राम राम सारे भाई, जिसने बढ़िया लगा हो माँ वो लाकर जुड़ सके भाई, इम्पैक्ट अकेडमी सार भाई।